फैमिली गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल मनीष की तान्या। तो सुबह कभी 6:30 बज रहे हैं और 6 बजे ही हम जग गए थे। तो अभी नीचे से आए हैं, बस सब्जी बन रहा है। तो मम्मी बोली जाओ मैं बेडशीट वगैरह मतलब सब साफ कर लो, क्योंकि आंटी भी आ रहे हैं, यहाँ सवेरे आएंगे काम करने। तो बेडशीट झाड़ा रहेगा तो झाड़ू पोछा करने में सही रहेगा। तभी हम आए पेट झाड़ने के लिए ऊपर, और कपड़ा वगैरह जो भी था वो फैला देंगे बस ये करके, फिर नीचे जाएंगे। मीका के कारण ही हम जगे हैं आज, क्योंकि वो 4 बजे से सोया ही नहीं। लास्ट में 6 बजे बोले कि अरे नीचे चलते हैं, हम नीचे चले गए। बस या फिर चाय वगैरह पिए, ब्रश भी कर लिए थे, और उसके बाद सब्जी चढ़ गया। और सिर्फ रोटी बनाना है, क्योंकि आज सवेरे मुझे लगता है खाना भी बन जाएगा, लेकिन नहाए नहीं हम। तो खाना बना के नहाएंगे, तब तो मीका सुसु कर दिया था इसके कारण से नहा लें, लेकिन आज अभी नहीं, खाना बना के उसके बाद नहाएंगे। तो सोचे चलो क्यों ना ब्लॉग शूट कर लिया जाए, तो ब्लॉग सुबह ही आज स्टार्ट कर लेते हैं। तो ब्लॉग मैं स्टार्ट कर ली, उसके बाद अभी खिड़की पूरा मतलब बाहर से ना डस्ट आता है, तो खिड़की लगा रहता है। तो शाम में कभी खोलते हैं मीका चढ़ता है तो उसमें डस्ट रहता है, लोहा जो रहता है ना डिजाइन बना, तो उसको सबको हम पोछे अभी पूरा पोछ के अब बेडशीट ढाकने के लिए बैठे हैं। सोचे चलो पहले ब्लॉग शूट कर लेते हैं, उसके बाद जो भी होगा काम होगा, काम तो होगा ही, क्योंकि ज़्यादा आज लेट भी नहीं है तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं। तो बस यही है अभी तक का, अब आगे क्या होता है पता नहीं। अभी मनीष को हम ज़बरदस्ती उठाए कि ऑटो बेड से जा रही है, क्योंकि आंटी आ रही हैं, तब जाके वो गया है वॉशरूम। उसके बाद उसको कहीं निकलना भी है, और मुझे लगता है कि फ़ोन भी आया था सुबह सुबह कि कैंसिल हो गया वो काम, तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ जाएगा। बाकी इसका कोई पता नहीं है कि क्या करेगा नहीं करेगा, जाएगा तो मतलब जाए के लिए क्या करना, नहाता है कपड़ा पहनता है, आएंगे तब खाएंगे, इसका ये डायलॉग है। वो 9 बजे निकले, 10 बजे निकले, आएंगे तब खाएंगे। ज़बरदस्ती अगर 10 बजे दे दिए तो 2 से 3 रोटी खाता है, उसके बाद निकल जाता है। उसके बाद तुरंत आ रहे में ही आता है 2 बजे 3 बजे, ऐसा होता है। और उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि उधर जा रहा था काम करने के लिए, सवेरे सवेरे बोले कि खाना बन गया है, नाश्ता दे देते हैं पॉड में, उधर ही खा लेना लेट होगा। तो वो क्या किया, मेस में खाना खा लिया, और जो घर का खाना दिया वो लौटा के आ गया रात में, तो उसको सारा भूजी को दिए। मतलब एक तो मेहनत करके बनाते हैं, उसके बाद भी मतलब ना ढंग से खाता, बोले ना वीकनेस वीकनेस सा लग रहा है इसको। इसका खाने के प्रति मतलब पता नहीं क्या है, बाहर निकल जाएगा आएगा जब मर्जी तब खाएगा, टाइम से ये 2 बार भी नहीं खाता है, और कभी ऐसा होगा घर में अगर 3 बार भी खा लेता है, ये भी करता है ये। तो इसका तो यही रूटीन चलते रहता है। बाकी मुझे बोलेंगे कि तुम इधर से सीख गई है, 7 बजे का तब उनको जाकर भूख लगेगा, सुबह में सवेरे खाए या ऐसे। मुझे लगता है इधर से ना 12:30-1 बजे ही जाता है, सुबह में नाश्ता भी करना छोड़ के 12:30-1 बजे ही जा रहा है मुझे खाना खाते करते हुए, बैठे रह जाते हैं या जो भी हो मीका के साथ बैठे रह जाएंगे या कुछ भी, नहा भी लिए ना तो भूख ही नहीं लगेगा, भूख लगेगा 12 बजे के बाद ही। तो बोलता है तुम अपना देखो, मतलब यही दोनों में झगड़ा चलते रहता है, बाकी सल्यूशन इसका कुछ है नहीं। तो चलिए मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद, पहले हम बेड से झाड़ लेते हैं, क्योंकि नीचे से मम्मी आवाज़ लगाएगी कि बेड से झाड़ ली या ऐसे ही है। तो बेड से क्योंकि मीका भी नीचे है, तो मम्मी क्या खाना बनाई है मीका को, पकड़ी नहीं तो सब्जी चढ़ा हुआ है, तो बोली सब्जी उब्जी हम देखते हैं, तो ऊपर से करते आओ। तो फटाफट हम करते हैं और नीचे जाते हैं, फिर आएंगे तो ब्लॉग तो कंटिन्यू रखेंगे ही, जब तक आँख खुला रहा, आँख बंद हुआ तो उसके बाद तो पता नहीं। तो मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं बैठा हुआ हूँ अपने किचन में, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किचन में मैं बैठ के क्या कर रहा हूँ। तो मैं बेसिकली मैं किचन में बेस ज़मीन पे बैठा हुआ हूँ, और आपको दिख रहा होगा कि तान्या क्या कर रही है, तो वो किचन में रोटी बना रही है। फर्स्ट पर बैठा हुआ था, अब दिखाते हैं। तने क्या बना रही है? हम बना रहे हैं रोटी। देखिए रोटी बना रही है, वो भी फ्राई पैन में बन रहा है रोटी। अरे यार कुछ नहीं, तवा वा नहीं चढ़ता ना, आप देखिए क्लास रोटी इस पे निकल रहा है, देख रहा है। पहले गैस पे बनाते थे तो पंखा नहीं चला पाते थे। देखिए इस पे रोटी बनने का फायदा क्या है ना, फैन भी चल रहा है और गर्मी भी आपको नहीं लगेगा, और रोटी भी फर्स्ट क्लास रोटी बनेगा। देखिए अभी आपको मैं दिखाता हूँ रोटी कितना जल्दी इसमें तैयार हो जाता है। लगभग अभी मेरे मोबाइल में टाइमिंग हुआ है
50 सेकंड हुआ है और रोटी देखिए लगभग एक मिनट में एक रोटी बनकर तैयार हो जाते हैं। एक मिनट नहीं लगता यार, 30 से 35 सेकंड बहुत हो गया। थोड़ा मैं इधर फैन की तरफ खड़ा हो जाता हूँ, थोड़ा मुझे हवा लगेगा और देखते हैं ताने क्या कर रही है। मैं अभी वहाँ बैठा हुआ था गेट के पास, वहाँ जमीन बनाने के लिए इसलिए आया कि आज उसके पास कोई काम नहीं था, नहीं तो सुबह सुबह निकल जाता है। नहीं काम तो अभी भी है, निकलेंगे नहा वहाँ के निकलेंगे। आज तुम्हारा काम एमरजेंसी हो गया ऐसा बोलो, बाल भी बहुत बड़ा हो गया था, बाल दाढ़ी सब बड़ा हो गया। कौन सा देखी? तो चलेगा इस तरह, मैं रेडी वेडी होके आता हूँ फिर नाश्ता में। अभी देखे यहाँ बेटी का भुजिया बना है, थोड़ा सा उधर वो बना है और पता नहीं कुछ कुछ होगा जो छुपा रखा है, आलू बैंगन और मूली का सब्जी बना। चलिए मैं थोड़ा रेडी हो जाता हूँ, नहावा के देख रहे हैं आपको बाल भी बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो खैर बाल तो स्मार्ट लग रहा हूँ बाल में तो, नहीं भाई चेहरा सही दिखा रहा हूँ, कमेंट करके बताइएगा स्मार्ट दिखा रहा है कैसा दिख रहा हूँ, थोड़ा मैं भी देखूँ तो लोग मुझे कैसा करते हैं। तो चलिए अभी मैं यहीं पर अपने आपको जाता हूँ बंद करके मोबाइल को और रेडी होने, क्योंकि मुझे भी निकलना है थोड़ा एक साइड पर, वहाँ थोड़ा देख के आना है। चलिए तब तक तानिया रोटी बनाती है और मैं रेडी होके आता हूँ, फिर नाश्ता करके आप लोगों के साथ बात करता हूँ। हे फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग? दोपहर के बज रहे भी 2 और हम चल रहे हैं किचन क्योंकि कुछ नाश्ता बनाना है। तो मिक्का को संभालने के लिए कोई नहीं है, इसके पापा जो अभी सो रहे हैं और दूसरे को ना मतलब मिक्का को सुला भी नहीं रहे और ना मिक्का सोने के लिए रेडी है। मिक्को खाली परेशान करता है, खाली परेशान कर देता है ये बच्चा। सबको बाय कर दो, बाय कर दो बेटा, बाय कर दो, चलो घूमने चलते, चलो घूमने घूमने चलो। बहुत परेशान करता है ये लड़का, दांत दिखाओ अपना। बाय 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 बाय, किसी दिन सॉरी बोल दो, हो गया हो गया हो गया, सॉरी बोल दो, आ जाओ अंदर आ जाओ। हाँ आ गया आ गया आ गया, देखो साक्षी हुआ है। तो हम चलते हैं नीचे, इसका ड्रामा क्योंकि ब्लॉग बनाने भी देगा नहीं, बाद में बात करते हैं आप लोग से। ये लूते चलो लूते चलो लूते चलो लूते चलो, आकर आकर आवा मिलते हैं कुछ देर के बाद, मिका जाएगा पापा के पास। बाय बाय। कहाँ जाता है देखो तो, ये कहाँ जा रहा है बंदा, छोड़ दो इसको, देखो कहाँ जाता है, कहाँ जाएगा, जाओ जाओ कहाँ जाएगा तुम। हे फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग? रात के बज रहे भी 8:30 और मिका सो गया है क्योंकि अभी क्या हुआ ना, मीका बाइक से गया घूमने के लिए और बाइक पे ही सो गया। पीछे एक पुलकित नाम के ये पे हैं, वो पीछे लेके इसको गोद में बैठे हुए थे तो ये वहीं सो गया बाइक पे। तो फिर मनीष आया देने के लिए कि बउआ सो गया, तो इसको लेके मुंह पर आ गए, सोचे चलो ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। और बाकी खाना पीना तो हो ही गया, तो आज आए हुए हैं मम्मी के भाई मतलब मेरे मामू और एक और उनकी लड़की है वो। तो खाना कोई सभी कातिक है तो कुछ बनेगा नहीं, तो चावल दाल भुजिया पकौड़े यही सब जो भी बना। तो अभी सोचे चलो ब्लॉग को द एंड कर देते हैं, उसके बाद जो है फिर बातचीत चलता रहेगा। तो मिका भी सोया है, इसका अभी जाते हैं इसके लिए खाना बनाने के, पकौड़ा सब बचा हुआ बाकी सब खाना बना के मुँह पर आ गया। तो अभी जाएंगे, जब खाएंगे तब पकौड़ा बनेगा। तो कोई कोई बाबा जी से है वो खा लिए हैं और इधर सब बचे हुए हैं, तो
जब खाएंगे तो पकौड़ा बनेगा, बाबा के लिए तो बन गया, उनका तो टाइम हो चुका था तो उनको बन गया, वो खा लिए, वो अपना रूम में पैक। अभी इधर हम लोग बचे हुए तो जो जब खाएंगे तब पैक लिए होगा, अपना खाना बनेगा। तो आज दिन भर ऐसा कुछ रहा नहीं, बस नॉर्मल भी चल रहा है, ऐसा कुछ हैवी नहीं जो कुछ इंटरेस्टिंग जो आप लोग से शेयर करें। तो बस सुबह जगे सवेरे, इधर से क्या हो रहा है ना, तो तीन दिन से कि बाबू जो है सवेरे जग जा रहा है, मीन्स कि अब तो 4:30-4 बजे तक ये जग गया था, लेकिन फिर इसको सुलाए 5 मिनट 100 मिनट उल्टा ऐसे ऐसे करके इसको लास्ट मुझे लगता है 6:30-6 बजे हम निकल गए रूम से कि ये सोने तो देगा नहीं, फालतू का और परेशान हो गए थे। फिर बउआ को भेजे उधर आंटी की तरफ, फिर थोड़ा बहुत जो किचन का काम हुआ कि ये ऊपर आए, तो आज आंटी को बहुत लेट हो गया छठ पूजा का, मतलब वो जो होता ना कुछ कुछ काम तो कर रही हैं, तो काम करने में लेट हो गया, तो ऊपर पूरा हम झाड़ू लगा दिए, किचन में झाड़ू पोछा हम कर दिए, सिर्फ आई तो बर्तन धोई, ऊपर पोछा लगाई, नीचे झाड़ू पोछा दोनों को, मतलब कुछ कुछ उनका भी हेल्प हो ही गया। फिर मेन है ना, अभी सबसे अच्छा ये है ना कि मम्मी सवेरे नहा लेती हैं, खाना तो वही टाइम बनना है कि खाना हम बनाएंगे तो जो टाइम है तो वो बनेगा ही। क्या होता था ना, मम्मी भी उसी में उलझी रहती थी, हम भी उसी में उलझे रहते थे, 11 बजे तक दोनों ऊपर आते तो फिर एक कोई बैठते थे मेरे के साथ, फिर उनको नहाते पूजा करते करते 1:30 बजता था, फिर हम जाते थे नहाने के लिए। अभी क्या होता, वो सुबह सुबह नहा लेती हैं, फिर हम उठते हैं, हम खाना बनाते हैं, मीका को वो पकड़ते, मतलब एक कोई पकड़ने वाला तो मिल जाता है, तो मीका को वो पकड़ लेती हैं और हम फटाफट खाना बना लेते हैं, तो ऐसे ही चलता है। अभी तो मम्मी बोले कि आप डेली ना सुबह ही नहा लिया कीजिए, तो क्या होगा कि मीका को भी इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, मम्मी पकेंगे और हम फटाफट खाना बना लेंगे, तो ऐसे ही होता है। तो अभी सवेरे आज मुझे लगता है 11:30-11 बजे तक हम नहा के खाना वाना जो भी तक खा लिए, इंतजार है दीपावली आएगा, छठ आएगा, फिर मायूस होकर ऐसे रह जाना क्योंकि सारा पर्व तो ख़त्म हो जाएगा। इधर दुर्गा पूजा हम लोग मना नहीं पाए, दीपावली छठ आ गई है, उसको इन्जॉय करेंगे। तो देखते हैं अभी कि कुछ नहीं, मीका को बुलाते हैं उधर साक्षी की तरफ है वो, तेने उसको अगर रात भर छोड़ दे तो वो रात भर उधर ही रहेगा, उसको इतना मन लगता है उधर, तो उसको बुलवाते हैं, उसके बाद उसको खिलाएंगे, मालिश पहले करेंगे, उसके बाद खिला के उसको सुलाएंगे, नहीं तो फिर रात में वो आपको बहुत परेशान करेगा। तो देखिए आज दिन में कुछ ऐसा खास हुआ नहीं, फिर सुबह सवेरे जगना, खाना बनाना, ये करना, इधर उधर थोड़ा बहुत किए, फिर थोड़ा देर सोए, फिर ऐसे। और पता है मीका अब क्या करता है, साधना दीदी से वीडियो कॉल कर रही है तो बोलती है आजा बेटा आजा, तो वो रोने लगता है, मतलब कि जाने के लिए फ़ोन खींचने लगेगा, जाने के लिए ये करने लगेगा, तो वो बार बार बोलती है आजा बेटा आजा मेरा सोना, कि ये उतना ही रो रहा है। इसको पता नहीं क्या समझ आता है कि फ़ोन में घुसना है या क्या, समझ में नहीं आ रहा है। तो उसका धीरे धीरे शैतानी जो भी है वो बढ़ ही रहा है, पाल चुभ रहा है, धीरे धीरे उसका शैतानी जो भी है बढ़ ही रहा है, कंट्रोल होने का नाम नहीं, और जिद्दी, इतना ज़्यादा जिद्दी हो गई, इतना ज़्यादा वो परेशान करने लगा, मतलब कोशिश के लिए वो ईर बना लेता है कि ये करना है, क्या किया आज इस पे चढ़ के और इधर से चढ़ के इधर देख रहा, और ये तो हो गया एक स्टेप, दूसरा स्टेप वो क्या चाह रहा है कि खिड़की को खींचे, वो बार बार खिड़की खींच रहा है जबकि खिड़की तक वो पहुँच नहीं रहा है, बस एक ये इस पे, उसके बाद इस पे चढ़ के, अब ये ऐसे ऐसे भी होता है, पता नहीं वो गिरेगा या क्या, इसके लिए हम पिल्लो 5-5 इधर रखे रहते हैं, लेकिन वो क्या करता है, इस ये सारा मेरा पिल्लो हमेशा नीचे रहेगा, इसको मैं उठाते उठाते परेशान है, वो फेंकते फेंकते परेशान, बिल्कुल वो परेशान नहीं होता, उसको वो चाहता है कि सारा सामान जो भी है फेंक दो, बस उसका यही है कि सारा सामान फेंकते रहे, इधर उधर उधर सारा सामान बिखेर के रख देता है। अब कुछ वैसा मिलता नहीं घर में, नहीं तो क्या करता था, पहले अलमारी में पर्दा लगा हुआ था, आपने तो देखा ही होगा सब, तो पर्दा के पीछे जाके कपड़ा खींच के बाहर फेंक देता था, अब क्या है अलमारी पे कोई कपड़ा तो है नहीं क्योंकि टीवी उधर सेट करती है, तो कपड़ा कुछ बचा नहीं, तो उसको तो कुछ मिल नहीं रहा, तो ऊपर बेड का ये अपना कर रहा, और बेड से भी पीछे मुड़ के और नीचे उतर जाता है वो, तो ये सब चलता रहता है, दिन पे दिन उसका चेंजिंग होते जा रहा है, थोड़ा बहुत बोलने का भी कोशिश कर रहा है, लेकिन टाइम से ही कुछ भी बोलेगा ना, इधर से 2-3 कदम दे भी रहा था, मैं दिखाई थी बहुत दिन पहले, उसके बाद इतना उसका तबीयत ख़राब हो गया ना, उसमें उसको लग अंदर से हो गया, कमज़ोर भी लगने लगा, तो वो चलना फिर छोड़ दिया। मम्मी बोली कि एक दो बार फिर मतलब भूल जाता है बच्चा, फिर याद आता है चलना है ये वो, तो चलेगा, अभी क्या है दीवार पकड़ पकड़ के वो चलता है, और उसके बाद जैसे छोड़ने में भी डर लगता है, सीढ़ी पे क्या करेगा, सीढ़ी पे एक दो करके वो चढ़ जाता है, लेकिन पीछे मुड़ के भी देखेगा कोई आ रहा है मेरे पीछे, उसको चाहिए बस आदमी भरा पड़ा रहे, बस
वो उसके बीच खेलते रहेगा, अकेला में उसको बिल्कुल मन नहीं लगता। उसके बाद उसका जो भी है बस चल रहा है। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल नई सुबह नई ब्लॉग के साथ, नए अंदाज के साथ। आज ब्लॉग यहीं पे करते हैं समाप्त। आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा, और बस मिलते हैं आपसे कल।